हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का राइट एंगल में एक बॉक्स लिया है, तो इसका मैं कवर बना के आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आप मैट्रेस का कवर बना सकते हैं या किसी भी तरह के कुशंस का या बेडशीट का कवर बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैंने इसका मेजरमेंट लिया है इस तरीके से, 2 इंच मैंने अंदर की तरफ रखा है इस तरह से, और उसके बाद दोनों साइड से 2-2 इंच रखा है, और जितना इसका ऊपर का मेजरमेंट है पूरा ले लिया। तो ये हमारा यहाँ पे 18x23 इंच का इस तरह से मेजरमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस कट करके रख लिया है सेम साइज का, और हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड करने पर जो हमारा इसका कॉर्नर्स है ओपन साइड का, वहाँ से हम इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने जिस मैट्रेस का हम बनाएंगे कवर या जिसका भी कुशन का बनाएंगे, तो वहाँ से हम इस तरीके से 2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए कॉर्नर्स का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 4 इंच है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। जो हमारे कॉर्नर्स खुले हुए हैं ओपन साइड से, वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1/2 इंच और मार्किंग करी है नीचे की तरफ कटिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने मार्क करके कॉर्नर कट कर लें तो इस तरीके से मार्क करके हमें कॉर्नर कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। तो अब हमें सीधी साइड से इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ते हुए इस पर स्टिच करना है। इसको स्टिच कर लिया है, और जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे आप मार्किंग करके या बिना मार्किंग के भी आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। और ये देखिए हमारा सीधी साइड से ये कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो गया। तो इसी तरह से हम चारों कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके चारों कॉर्नर्स रेडी कर लिए हैं। अब इसके हम चारों साइड पे फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम चारों साइड स्टिच कर लेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है चारों साइड में। अब इसको हम इस पर लगा के देख लेंगे बॉक्स में, या जो भी आप मैट्रेस का कवर बना रहे हो उस पर लगा के देख लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का इसका मेजरमेंट लिया है। आप इसमें अगर मैट्रेस का बड़े साइज़ का किसी का बना रहे हैं तो 10 इंच का ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैंने 4x4 का स्क्वायर पीस कट कर लिया इस तरह से, और इसको उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम इसमें स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे वो हम इसको सीधा करने के लिए छोड़ेंगे, वहाँ से हम इसको सीधा कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, और किसी भी नुकीली चीज़ से इसको इसके कॉर्नर्स हम बाहर की साइड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको आयरन कर लेंगे एक बार, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा कॉर्नर का पीस। तो इस तरीके से हमने इसके चारों पीस रेडी कर लिए हैं। इसको कॉर्नर में हम इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से पिनअप करके भी लगा सकते हैं, बिना पिनअप के भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसको पिनअप करके दिखा देती हूँ हम किस तरीके से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे इसका कोना रखते हुए इस तरीके से हम इसको पिनअप कर लेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का कवर बना सकते हैं, मैट्रेस का या किसी भी स्क्वायर राइट एंगल बॉक्स का कवर बहुत ही इजीली बन जाएगा। इसको इस तरीके से हम रख के स्टिच कर लेंगे, घुमाते हुए स्टिच कर लेना है हमें इसको। ये हमारा कॉर्नर इसमें लग के रेडी हो गया है इस तरह से। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये कॉर्नर बन के रेडी हुआ है इस तरह से। तो इसी तरह से हम चारों कॉर्नर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों रेडी कर लिए हैं इस तरह से। हम इसको अब लगा के दिखा देते हैं बॉक्स पे आपको। देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हुआ है, कितना फिनिशिंग के साथ परफेक्ट कवर बन के हमारा ये रेडी हुआ। तो इसी तरह से आप मैट्रेस का कवर बना सकते हैं बहुत ईजीली। इसमें आप अपनी पसंद का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये कवर बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।